नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सपने में किसी को थप्पड़ मारने का अर्थ, सपन शास्त्र की माने तो सपने में किसी को थप्पड़ मारने के पीछे काफी गहरी बात छुपी हुई होती है। कहते हैं कि सपने में किसी को थप्पड़ मारते हुए या फिर इससे संबंधित कोई सपना देखने का अर्थ थोड़ा गहरा है और अशुभ भी है। अगर आप अपने दोस्त को या किसी रिश्तेदार को सपने में आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो इसका साफ मतलब है कि आने वाले समय में आप किसी बड़े झगड़े में फंसने वाले हैं और आपको किसी ना किसी कारणवश काफ़ी दुख भी पहुंच सकता है। यह बहुत ही जरूरी है कि जब कभी ऐसे सपने आए तो खुद को पहले से ज़्यादा सावधान रखें और कोशिश करें कि बिना मतलब के किसी से कोई बात ही ना करे। कोई भी झगड़ा हो उसे तुरंत सुलझा ले और किसी और के झगड़े में भी अपनी टांग ना अड़ाए। दोस्तों सपने में खुद को थप्पड़ खाते हुए देखने का अर्थ, वहीं दूसरी ओर अगर आप खुद को किसी और से थप्पड़ मारते हुए देखते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि यह शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप खुद को सपने में मार खाते हुए देखते हैं, अगर वह आपका दुश्मन है तो भी, अगर आपका जीवन साथी है या कोई भी है, आपके पेरेंट्स है, कोई भी है, आपके माता पिता हैं, आपका दोस्त है, कोई भी हो सकता है, इसका मतलब है कि आने वाले भविष्य में आप सफलता को हासिल कर लेंगे। मेहनत में कोई कमी ना रखे, बस बाकी यह सपना आपको आपकी जीत हासिल करवा ही देगा। कई बार हम सपने में खुद को मार या थप्पड़ खाते हुए देखते हैं तो डर जाते हैं और यह सोच बैठते हैं कि अगर यह सपना सच हो गया तो हमारा क्या होगा। दोस्तों अब कभी भी ऐसे सपने आए जिसमें आपकी पिटाई हो रही है, वह पिटाई किसी से भी हो सकती है, आपकी टीचर से भी हो सकती है, आपके दुश्मन से भी हो सकती है, आपके दोस्त से भी हो सकती है, आपके माता पिता से, किसी से भी हो सकती है, तो जान लें कि यह मौका उदासी या फिर रोने धोने का नहीं है, बल्कि यह मौका है जश्न मनाने का, क्योंकि ये सपना साफ दर्शाता है कि आप सफलता के बहुत ही पास हैं। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए।